शिमला जिला के रामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा विचारधारा वाले पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के लिए लगाया गया 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समापन अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के 22 चेयरमैन संजीव कटवाल ने संगठन को मजबूत करने व 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्हें सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रशिक्षण की भी जानकारी दी। रामपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर के संगठन में कई नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को 2022 के चुनाव के लिए मजबूत कर आगे ले जाने के लिए कहा। शिविर के दौरान प्रदेश भाजपा सचिव बिहारी लाल ने पार्टी सिद्धांतों व उनकी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सजग रहना होगा ताकि देश का समग्र विकास हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रयास है कि देश के दूर दराज में बसे नागरिक तक सरकार की सेवाएं जवाबदेही मिले। मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज यहां संपन्न हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वैचारिक हमारा जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के लिए उनको प्रेरित करना, अपनी कार्य पद्धति क्या है, कार्य पद्धति के विचारधारा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना